चलिए यहाँ पर बात करें ग्रैंड रूवेल T10 का, जो अभी सुबह वाला मैच चल रहा है तो फिलहाल तो सही जा रहा है, देखते हैं भगवान की कृपा से आगे क्या होता है। वाला जो खेला जाएगा मेरे भाई GS वर्सेस PKW, देखो GS के पास ऐसे ऐसे प्लेयर है ना, इनके टीम के विन करने के चांस बहुत अधिक है। अभी जैसे SSF की टीम के बारे में मैंने बताया, वो तो वन साइडेड विन करना चाहिए और वो वन साइडेड विन करने वाला है, तो दिमाग में ये रखना है कि GS की टीम स्ट्रॉन्ग है, इनके बेस्ट प्लेयर कौन से होने वाले हैं इनके। देखो ये सीरीज लगातार हम लोग खेलते हैं और खेलते आ रहे हैं, तो दिक्कत हमें लगता है कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे, बशर्ते लक साथ दे और एक्सपेरिमेंट फिक्सिंग का असर ना हो, फिर हम लोग अच्छा खासा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, प्रकार से दिखाई देगा, 54K+ लोग यहां पर जुड़े हैं, 54,000+ लोग, आप भी यहां पर आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो को फर्स्ट कमेंट जो था वहां पर लिंक होगा ब्लू कलर में, सौरभ सामाजिक 84, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54,000+ वाले पे जुड़ोगे, बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह हर अपडेट लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मेरे भाई GS के टीम के ऊपर बात किया जाए तो देखो GS के टीम में इतने सारे जो प्लेयर, ये बेस्ट प्लेयर की सूची में आता है, कमाल का इनका रिकॉर्ड भी है। पहला नाम आता है मोहम्मद फैजल, विकेट कीपिंग में दिया गया मेरे भाई, लेकिन ओपन भी कर सकता है, साथ में 2 ओवर डालेगा, यहाँ तक सही है। अजीब खान, अगर यदि ये विकेट कीपिंग नहीं करता तो ये भी ओपन या टॉप 3 में बल्लेबाजी करेगा, ये भी 2 ओवर डाल सकता है, याद रखना दोनों विकेट कीपिंग में जो च्वाइस है मेरे भाई, तो दोनों ऑलराउंडर है। राजकुमार राजेंद्र, हाल फिलहाल देखा जाए तो इनको इंटरनेशनल में मलेशिया के खिलाफ मौका मिला है, मलेशिया के टीम से, वहाँ पर ये कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन डोमेस्टिक में बहुत पिटाई करता है मेरे भाई, छक्के चौके जड़ता है। और इनके अलावा जिस जगह पे ये रहता है, 1-2 कैच भी वहाँ पर पकड़ लेता है, लोग ऑफ पे वहाँ पर रहता है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी कुछ ओवर भी ये डाल जाता है, याद रखना जे अख्तर ये भी दोनों चीज़ करता है, ये टीम की तरफ से ओपन आना चाहिए, आक्रामक बल्लेबाज करता है, साथ में गेंदबाजी, कई मैच में गेंदबाजी नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो कुछ फिक्सिंग का मैच चल रहा था इनसे पहले, वैसा वहाँ पर कुछ हो सकता है। टी अहमद, कौन सा मैच में गेंदबाजी करेगा कौन सा में नहीं, लास्ट के 5 मैच देखोगे 2 मैच में इन्होंने गेंदबाजी किया और विकेट भी ले गया, लेकिन 3 मैच में गेंदबाजी ही नहीं किया, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। एस सिंह, करियर रिकॉर्ड बढ़िया है, अगर यदि ये खेलता है 2 ओवर डालने की संभावना रहेगा, डालेगा तो भैया विकेट ले जाएगा, इतना तो इनका रिकॉर्ड है, विकेट लेने की संभावना इनका रहता है एस सिंह का। एम क्वासर, क्वालिटी स्पिनर की सूची में इनका नाम आता है, 2 ओवर कन्फर्म डालेगा, गजब का लाइन लेंथ रहता है और अच्छा अनुभव है, विकेट लेस नहीं जाता, बहुत बढ़िया च्वाइस रहेगा। AL की बात की जाए, इनका भी वही बात है, कितना ओवर डालेगा, कई कबार इनको ओवर ही नहीं मिलता है, तो बस यही डाउटफुल है, वरना ये 2 ओवर डालेगा तो ये भी बढ़िया। एच निसार, ये एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है, हालांकि ज़्यादातर ये गेंदबाजी ही जाने जाते हैं, अदर टीम के खिलाफ से जब खेलता था 2 ओवर डालता था, विकेट ले जाता था, कुछ हद तक बल्लेबाजी से भी योगदान दे देता था, याद रखना इनके ऊपर। एफ यूनेस की बात की, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा इनके पास अनुभव कम है, और अनुभव कम रहता था ज़्यादा ओवर उनसे नहीं कराया जाता, इन बातों को ध्यान रखना। वैसे च्वाइस बुरा नहीं है, एफ यूनेस भी जो ये बढ़िया है, 2 विकेट ले जा सकता है, 3 विकेट भी ले जा सकता है, यानी कि जिस तरह से गेंदबाजी करता है। अब इतने सारे प्लेयर सारे तो खेलेंगे नहीं, इसलिए मैंने सारे के बारे में बताया, जो नहीं खेला ये नहीं खेला तो अदर है, अदर नहीं तो ये है, लेकिन इतने सारे प्लेयर ये याद रखना, ये बेस्ट प्लेयर है सामने वाली टीम के, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्लेयर बेस्ट है, यहाँ से जितना हो सके हम लोग उतने सारे प्लेयर लेने का प्रयास करेंगे जो हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। दूसरे टीम की बात की जाए, जो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है उनके ऊपर बात किया जाए, एज जुबैदी इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी मलेशिया की टीम से ओपन आता था और कमाल का रिकॉर्ड है, आक्रामक बल्लेबाजी करता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्लेबाज है बढ़िया। मोहम्मद इमरान, डोमेस्टिक रिकॉर्ड बढ़िया है और शतक भी है इनके नाम, और अच्छे खासी आक्रामक खेलते हैं, रिस्क भी चाहो तो ले सकते हैं हम लोग। एस रहमतुल्ला, इनका करियर रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ सीरीज में इन्होंने गेंदबाजी करना स्टार्ट किया था, गेंदबाजी करना स्टार्ट किया था तो विकेटें भी ले जा रहा था, तो थोड़ा सा नज़र रखना, बाकी विकेट कीपिंग करेगा तो विकेट नहीं ले जाएगा, लेकिन बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, अच्छा खेल सकता है। कैप्टन VC के, इनके तरफ से बढ़िया च्वाइस ये होगा हसनैन अहमद, आपको याद होगा अरसलान सबीर की टीम जो अभी खेल रही है उनके टीम के तरफ से ये खेला करता था, और अच्छा प्रदर्शन, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेगा, कैप्टन VC का तगड़ा च्वाइस है। डब्लू ज़्यादा, इनका कितना ओवर मिलेगा, कितने गेंदबाज के साथ खेलने वाला इनका टीम, उस पर निर्भर करेगा, वरना इनको हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा गेंदबाजी इनको मिलता नहीं। एफ सिराज, ये अनुभवी प्लेयर है,
खुद अपने आप का कैप्टन रहता है बहुत टाइम में, और खुद अपने आप को गेंदबाजी में नहीं लाता है, क्या करता खुद करता। लेकिन अगर यदि देखा जाए सामने टीम और इनकी टीम को, तो ऐसे सिचुएशन में इनकी गेंदबाजी का जरूरत टीम को पड़ेगा और ये करना चाहिए, और करेगा तो विकेट ले जाएगा। स्लोअर का इस्तेमाल ये करता है। तो सामने वाली टीम की तरफ से मैंने 10 प्लेयर इंपोर्टेंट देखा, इसके टीम से 2, 4, 6 प्लेयर इंपोर्टेंट। अब इसमें से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उनके अनुसार हम लोग एडजस्ट करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए कॉम्बिनेशन के जरिए आपको समझाते हैं मेरे भाई। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा भी कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी शानदार तरीका से। देखो यहाँ से बात किया जाए विकेट कीपरिंग में, तो यहाँ से मोहम्मद फैजल इंपोर्टेंट रहेगा। अजीब खान विकेट कीपरिंग नहीं करेगा तो अजीब खान भी, सैयद रहमतुल्ला भी, दोनों गेंदबाजी कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं राजकुमार राजेंद्रन, ए जुबैदी, जे अख्तर, हसनैन अहमद यहाँ से आएगा। इनके अलावे गेंदबाजी छोर पे चलते मोहम्मद क्वासिर आना चाहिए यहाँ से। इनके अलावे यहाँ से एस निसार आना चाहिए, अब वो निर्भर करेगा कौन कितने ओवर डालता है। यहाँ से अजीब खान को पिक कर रहा हूँ, सैयद रहमतुल्ला को यहाँ से पिक कर रहा हूँ, अभी फिलहाल जो बेस्ट है बेस्ट के ऊपर ही जा रहा हूँ, एस सिंह यहाँ से रहेगा हमारे टीम पर। बाकी एफ सिराज गेंदबाजी करना चाहिए तो इनको साथ में जा रहा हूँ। बाकी कैप्टन बीसी का च्वाइस देखा जाए तो जी अख्तर को लोगों ने कैप्टनसी दे रखा है, अच्छा है, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन हसनैन अहमद कैप्टन का बढ़िया च्वाइस होना चाहिए। बीसी के लिए जी अख्तर गेंदबाजी करता है तो फिर इनके ऊपर जाएंगे, वरना थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बीसी हमारा बाद में चेंज भी हो सकता है, ये फाइनल लाइनअप आने के बाद आपको अपडेट करूँगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ मेरे भाई, आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।